Welcome to Banker's Reasoning channel. Today we will solve puzzle number 6 in the series, which is based on circular seating arrangement. यहाँ पर आपको आज जो पजल दी हुई है उसमें और कल वाली पजल में या पहले जो हमने किया है उसमें हमने देखा कि पहले हमको ये दिया रहता है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग हियर. ही हैज नॉट प्रोवाइडेड अस विद द नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग हियर. तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे काउंट करना बहुत जरूरी है. और नाउ वी आर काउंटिंग. तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि हियर वी हैव 3 + 3 = 6 and 1 = 7. तो टोटल पर्सन इन्वॉल्व आर 7 एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल इन अ सर्कुलर टेबल. तो ये एक चीज जो थी हमको यहाँ से जाननी थी. दोज हु वॉन्ट टू सॉल्व द पजल Please pause the video and solve it. Next, now we will write down all the clues in proper manner so that we can get the solution of this puzzle. First clue is R is not second to the left of D. R is not second to the लेफ्ट ऑफ डी. तो यहाँ पे हमें क्रॉस कर देते हैं तो हमें याद रहेगा आर इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. नेक्स्ट ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. नेक्स्ट बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. B is second to the left of F. B is second to the left of F. Then Q is not an immediate neighbor of B or F. Q is not an immediate neighbor of B or F. ये इस तरीके से हम इसको बनाएंगे. पांच क्लूज हैं जो हमको दिख रहे हैं यहाँ पे और उन्हीं के बेसिस पे हम इसको अभी सॉल्व करेंगे. यहाँ पर जब आप सर्कल में प्लेसेस ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइए ताकि आपको मिसमैच ना हो. कई बार अपोजिट बैठने वाले का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और उसके बेस पे ही आपकी पजल सॉल्व होती है. एज हियर ओनली 7 पीपल आर सिटिंग सो वी हैव ड्रॉन 7 एंड द 8th वन वी हैव नॉट ड्रॉन. ऑल ऑफ देम आर लुकिंग इनसाइड ऑफ द टेबल. तो ये भी हमको सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये भी हमने कर दिया. अभी कॉन्क्रीट जो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखता है कि थर्ड वाले को जब हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे दिखता है ये थर्ड है. थर्ड वाले को जब हम देखेंगे तो F इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ A या फिर राइट ऑफ A भी बोल सकते हैं. तो राइट ऑफ F इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ A एंड A इज सिटिंग थर्ड राइट. फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट. तो यहाँ पे आपका आ गया A. A इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F. नाउ B और F, F के लेफ्ट में एक छोड़ के B है. तो B इज सिटिंग To the left of F. ये दोनों क्लूज हमारे हो गए. ओके. नाउ B के पास कौन नहीं आ सकता है? B के पास Q नहीं आ सकता है. Q यहां नहीं आ रहा, Q यहां नहीं आ रहा और F के पास भी Q नहीं आ सकता है. तो Q आपका यहां पर भी नहीं आ रहा. तो Q के लिए प्लेस एक ही बचती है और ये है और ये उसकी कंफर्म प्लेस हो जाती है. तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव क्लू यू कैन इजिली मेक आउट कि कहां पे Q की पोजिशन होगी. अब कहता है D और B क्लोज नहीं है. तो D आपका यहां आएगा क्या? नहीं आएगा. D आपका यहां आएगा क्या? तो यहां पर भी नहीं आएगा. अब D के लिए प्लेस कौन सी बची? तो D के लिए प्लेस जो बचती है वो ये प्लेस बचती है. तो इस क्लू नेगेटिव क्लू की वजह से भी आपको एक चीज फायदा हो गया. नेक्स्ट R इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D. तो लेफ्ट अगर हम देखेंगे तो आर यहाँ पे नहीं आएगा वो कह रहा है बिकॉज ये आर यहाँ बैठ नहीं सकता कहता. तो फिर व्हाट वी विल गेट इज आर इज सिटिंग हियर एंड बचा कौन अभी हमारे पास? हमारे पास बच गया पी. तो पी ही एक ऐसा है जो यहाँ पे बैठ सकता है. सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द पजल और नाउ वी विल गो ऑन टू द क्वेश्चंस.
आई होप ये आपको सबको समझ आई होगी। इसमें नेगेटिव क्लूज हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इस पजल में, सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है कि सर्कल ड्रॉ आप कैसे करेंगे जब सात या ऑड नंबर के पीपल वहां बैठ रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ इस पजल में ध्यान देने वाली बात है। विल सॉल्व द क्वेश्चंस। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी? सेकंड टू द राइट ऑफ पी इज 1 2, इट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ? इट इज ऑफ कोर्स यू कैन सी पी, तो यहां पे हम पी को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी? इट इज क्यू, तो यहां पर आपको क्यू यहां दिख जाता है। ओके, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू? ये भी सिंपल है, इट इज ए। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी? इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये देना है कि दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। सी, अगर राइट से देखेंगे हम, तो राइट से जब आप देख रहे हैं तो 1 2 1 2 3, तो डी से जब हम देख रहे हैं तो थर्ड राइट में है डी की पोजीशन, और अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं बी से तो 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको देखना है, सेकंड टू द राइट नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट भी नहीं है, सेकंड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट नहीं है, थर्ड टू द राइट है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, और इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। Subscribe now for latest prelims and mains level question, because gradually I will be improving the level of the questions that are being taught here. So please subscribe the channel and share it. Thank you.